मैं मंडल अध्यक्ष एनबी सिंह यानी रेलवे मजदूर यूनियन वाराणसी मंडल। आज किसने मसला ले क्या है ये पूरा मसला? देखिए ये है कि सरकार की, जैसा हमारे मंडल मंत्री जी ने बताया, सरकार की नीतियों का विरोध। हमारे मांगे ऐसा नहीं कि हमारी मांगे आप लोगों के माध्यम से ये पहुंच नहीं रही है भारत सरकार तक। हम भारत सरकार से सीधा टकराव न करके अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को वहां पहुंचाने का काम करते हैं। एक एक व्यक्ति मसाल के रूप में जलते हुए ये बात जो है भारत सरकार, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। किस तरह का प्रोटेस्ट करें, क्या करें? प्रोटेस्ट, मेन प्रोटेस्ट यह है आज कि 55 और 30 साल, 50 30 साल तरह के इस तरह के आदेश डीओपीटी मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए हैं, जो विभिन्न रेलों में भेजे गए हैं कि इन बॉर्डर लाइन पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके कार्यों की समीक्षा की जाए और उनको निकालने का, इस लॉकडाउन पीरियड में उनको रेल सेवा से हटाने का एक प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। तो किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग विभिन्न तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक दिन हमारा मसाल जुलूस का कार्यक्रम है, कल कैरेज में कार्यक्रम था, आज यहाँ रैली के माध्यम से जन जागरण हो रहा है। प्रदर्शन डीआरएम ऑफिस के सामने, जैसा मंडल मंत्री जी ने बताया, संक्षिप्त प्रदर्शन भी है। तो ये कहां से निकला, कहां तक जाएगा? ये प्रेक्षागृह से निकला है, रेलवे कॉलोनी रेलवे प्रीमिसेज से होते हुए डीआरएम ऑफिस तक जाएगा। विनोद कुमार सिंह, बीके सिंह, यानी रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल मंत्री। आज जो है एआरएफ के आह्वान पर 14 तारीख से 19 तारीख तक पूरे देश में हर डिवीजन, जोन, ब्रांचेज पर हर तरह के अपने कार्यक्रम करके भारत सरकार को ये जो 30 और 55 की जो छटनी का भारत सरकार का कुछ आग्रह है, हट कर्मचारियों को हटाने का, उसके विरोध में और निजीकरण के विरोध में, पोस्टों को सिलेंडर करने के विरोध में, ये हमारी आज के डेट में मोटरसाइकिल रैली है रेलवे कॉलोनियों में घूमते हुए, और फिर डीआरएम ऑफिस के नज़दीक आम सभा है आधे घंटे का, अपना विरोध हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपने क्या किया है, क्या कर रहे? आज जो है हम मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं और क्या नाम है, पूरे रेलवे कॉलोनी के कर्मचारियों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये भारत सरकार के विरोधी नीतियों के कारण, और 1:30 बजे हमारी आम सभा है। लगातार आप विरोध करते जा रहे हैं, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई, उससे क्या रणनीति आपकी है? ऐसा नहीं है, विरोध करने का ही स्वरूप है। कई बार हम हर समय भारत सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं और वो आदेश को बराबर पेंड कराने को, रुकवाने का काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार ये जो भी तुगली फरमान आदेश जारी की है उसे पेंड करने का काम करे। इनकलाब जिंदाबाद।